हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव किड्स आफ्टर वाचिंग द वीडियो इफ यू एंजॉयड इट फाउंड इट यूज़फुल एंड वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस प्लीज़ कंसीडर लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल क्रिएटिव किड्स नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल क्रिएटिव किड्स में आपका स्वागत है वीडियो देखने के बाद यदि आपको यह पसंद आया यह उपयोगी लगा और आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल क्रिएटिव किड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डेल्व इन टू द फैसिनेटिंग डिस्कवरी ऑफ सिल्क एज वी एक्सप्लोर द स्टोरी ऑफ सिल्क फ्रॉम द बुक टिंकल नमस्ते दोस्तों आज हम टिंकल पुस्तक की सिल्क की कहानी से सिल्क की खोज के बारे में पढ़ेंगे टिंकल इज अ रिनाउम्ड इंडियन कॉमिक बुक सीरीज एंड मैगजीन क्रिएटेड बाय अनंत पाई नोन फॉर इट्स ह्यूमरस एंड एंगेजिंग स्टोरीज गैदर्ड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट ऑफन इनकॉर्पोरेट्स Moral and educational values into its stories, making it both entertaining and informative to cater to a diverse audience from young children to teenagers and even adults. It features stories suitable for all age groups, making it a family friendly magazine. टिंकल एक प्रसिद्ध भारतीय कॉमिक बुक सीरीज और पत्रिका है जिसे अनंत पाई द्वारा बनाया गया था जिसे उसकी मज़ेदार और मनोरंजक कहानियों के लिए जाना जाता है जो दुनिया भर से इकट्ठा की जाती है यह अक्सर अपनी कहानियों में नैतिक और शैक्षिक मूल्यों को शामिल करता है जिससे यह मनोरंजन के साथ साथ जानकारी पूर्ण भी होता है और यह विभिन्न आयु समूह के पाठकों को संतुष्ट करने के लिए है जैसे कि बच्चे युवा और व्यासक इनमें सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त कहानियाँ शामिल है जिससे यह एक परिवार के लिए मनोरंजन साझा करने वाली पत्रिका बनती है सो लेट्स बिगिन द स्टोरी तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मैनी मेनी ईयर्स अगो अ यंग चाइनीज प्रिंसेस सो सम स्ट्रेंज वर्म्स ईटिंग द लीव्स ऑफ अ मलबरी बुश कई कई साल पहले एक युवा चीनी राजकुमारी ने कुछ अजीब कीड़ों को शहतूत की झाड़ी की पत्तियाँ खाते हुए देखा एंड शी एक्सक्लेम टू हर कजिन्स और उसने चिल्लाकर अपने चचेरी बहनों से कहा सी वट आई हैव फाउंड हियर देखो मुझे यहाँ क्या मिला है द प्रिंसेस लुक्ड केयरफुली एट द वर्म्स एंड सेड उ फनी दे लुक राजकुमारी ने कीड़ों को ध्यान से देखा और बोली वे कितने अजीब लगते हैं एवरी डे द गर्ल्स वुड गो टू वॉच द वर्म्स हर दिन लड़किया कीड़ों को देखने जाती थी दे वुड ऑब्जर्व द वर्म्स एंड टॉक टू ईच अदर अबाउट इट वे कीड़ों को देखते और इसके बारे में एक दूसरे से बातें करते वन ऑफ द प्रिंसेस कजिन सेड दे आर बिकमिंग फैक्टर डे बाय डे राजकुमारी की एक चचेरी बहन ने कहा वे दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हैं टू दिस द प्रिंसेस रिप्लाइड दैट्स बिकॉज ईट सो मच इस पर राजकुमारी ने जवाब दिया ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे बहुत खाते है। The princess said, सेड आई how मच फैट दे विल बिकम tomorrow. राजकुमारी ने कहा मुझे आश्चर्य है कि कल वे और कितने मोटे हो जाएंगे बट द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर वेट एंड कोल्ड एंड द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउट लेकिन अगले कुछ दिन बारिश होने के कारण मौसम गीला और ठंडा था और इस वजह से बच्चे बाहर नहीं जा सके वेन दे फाइनली डेड जब वे आखिरकार बाहर निकले The princess saw the worms and exclaimed, Oh! Rajkumari ne kido ko dekha or chillai. Oh! The princess cousin, who stood nearby, asked, What's the matter? Paas Rachkumari Rajkumari ke chachiri behen ne poucha, Kya baat hai? To this, the princess replied, पोअर वर्म्स हैव इटन टू मच एंड देर डाइंग इस पर राजकुमारी ने जवाब दिया अफसोस बेचारे कीड़े बहुत ज्यादा खा लिए हैं और वे मर रहे हैं नोट हियर द प्रिंसेस थिंग्स दैट बिकॉज ऑफ ईटिंग टू मच वर्म्स आर डाइंग ध्यान दे यहाँ राजकुमारी सोचती है कि ज्यादा खाने के कारण कीड़े मर रहे हैं द गर्ल्स वॉच्ड इन वंडर एज दर्म्स wove cocoons राउंड themselves. लड़कियां आश्चर्य से देख रही थी जब कीड़े अपने चारों ओर कुकून बुन रहे थे द प्रिंसेस सेट those must be their coffins see some of them have covered themselves completely they must be dead already we will have to bury them तभी प्रिंसेस ने कहा वो उनके ताबूत होंगे देखिए उनमें से कुछ ने खुद को पूरी तरह से ढक लिया है वे पहले ही मर चुके होंगे हमें उन्हें दफनाना होगा एंड देन शी क्लैप्स हर हैंड्स स्ट्वाइ्स क्लैप क्लैप और फिर उन्होंने दो बार ताली बजाई नोट अ कुकून इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स लाइक सिल्क वर्म्स क्रिएट अराउंड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द प्यूपल स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल Silkworms spin these cocoons from a fluid produced by their salivary glands, which hardens into silk fibers upon, upon contact with air. Inside the cocoon, the silkworm undergoes metamorphosis, transforming from a larva into an adult moth. This process is essential for silk production because the silk fibers are harvested from the cocoon once the pupa has completed its transformation. The cocoon provides a safe environment for this transformation to occur. After the pupal stage, the silk threads are carefully unwound from the cocoon and spun together to create silk fabric. Cocoon is a safe environment. जो रेशम पैदा करने वाले कीड़े जैसे रेशम के कीड़े अपने जीवन चक्र के प्यूपा चरण के दौरान अपने चारों ओर बनाते हैं रेशम कीट इन कुकून को अपनी लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित तरल पदार्थ से बुनते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर होकर रेशम के रेशों में बदल जाता है कुकुन के अंदर रेशम कीट काया पलट से गुजरता है एक लार्वा से एक व्यासक कीट में बदल जाता है रेशम उत्पादन के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि प्यूपा द्वारा अपना परिवर्तन पूरा करने के बाद रेशम के रेशों को कुकून से सावधानी से खोलकर काटा जाता है कुकून इस परिवर्तन के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है प्यूपा चरण के बाद रेशम के धागों को सावधानी पूर्वक कुकून से खोला जाता है और रेशम रेशमी कपड़े बनाने के लिए एक साथ बुना जाता है द प्रिंसेस मेड इमीडिएटली प्रेजेंटेड हर सेल्फ एट हर सर्विस राजकुमारी की दासी तुरंत उनकी सेवा में प्रस्तुत हो गई द प्रिंसेस टोल्ड हर प्लीज ब्रिंग सम टी एंड राइस केक्स राजकुमारी ने उससे कहा कृपया हमारे लिए कुछ चाय और चावल के केक लाए वेन द चाइनीज बरिड देयर डेड दे यूज टू कीप फूड एंड ड्रिंक ऑन द ग्रेव्स जब चीनी लोग अपने मृतकों को दफनाते थे तो वे कब्र पर खाने पीने का सामान रखते थे सून द ग्रेव वॉज रेडी द प्रिंसेस ब्रॉड द कुकूंस एंड बिगैन टू ड्रॉप दम वन बाय वन इन टू द ग्रेव एज शी वॉज डूइंग दिस शीज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड वन ऑफ द कुकूंस इन टू अ कप ऑफ हॉट टी एंड शी एक्सक्म्ड ओह। जल्द ही कब्र तैयार हो गई राजकुमारी कुकून ले आई और उन्हें एक एक करके कब्र में गिराने लगी जब वह ऐसा कर रही थी तो उनसे गलती से एक कुकून गर्म चाय के कप में गिर गया और वह बोल उठी ओह। oh! The soft-hearted princess burst into tears. Komal hriday wali rajkumari foot foot kar rone lagi. What have I done? Its covering has become loose. She decided to take it to her mother. Ya maine kya kar diya? Iska Avrin dhila ho gaya hai. उन्होंने इसे अपनी माँ के पास ले जाने का फैसला किया हर मादर सी लिंग वॉज अ वेरी क्लेवर वुमेन उनकी माँ सी लिंग एक बहुत ही चतुर महिला थी शी टोल द प्रिंसेस डोंट वीप लीव दिस वर्म विद मी एंड गो बैक टू योर कजें उन्होंने राजकुमारी से कहा रो मत। इस कीड़े को मेरे पास छोड़ दो और अपनी चचेरी बहनों के पास वापस चली जाओ दी स्टार्ट एड थिंकिंग इन माइंड अ मेक्स अ कवरिंग फॉर इथ सेल्फ हाउ स्ट्रेंज फिर वह मन ही मन सोचने लगी एक कीड़ा जो अपने लिए आवरण बनाता है कितनी अजीब बात है हर मदर ड्रॉप द कुकून इंटू अ बाउल ऑफ हॉट वाटर उनकी माँ ने कोकून को गर्म पानी के कटोरे में डाल दिया देन टू किट आउट अगेन एंड बिगेन टू अनवाइंड इट फिर उन्होंने उसे फिर से बाहर निकाला और उसे खोलने लगी द स्ट्रैंड ब्रोक

चमकता हुआ रेशा था शी थॉट आई मस्ट सी दो वॉर्म्स फॉर माई सेल्फ उन्होंने सोचा मुझे उन कीड़ों को स्वयं जाकर देखना चाहिए वेन हर डॉटर टुक हर टू द मलबरी ट्री एंड शोड हर द कुकूंस शी वॉज ओवर जॉयड शी टोल द प्रिंसेस यू हैव फाउंड समथिंग वेरी वंडरफुल माई डॉटर जब उनकी बेटी उन्हें शहतूत के पेड़ के पास ले गई और उन्हें कुकून दिखाया तो वह बहुत खुश हुई उन्होंने प्रिंसेस से कहा तुम्हें तो बहुत अद्भुत चीज़ मिली है मेरी बेटी यू हैव फाउंड द थ्रेड फ्रॉम विच वी शाल वीव द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लॉथ एवर सीन तुमने वह धागा पाया है जिससे हम अब तक का देखा गया सबसे सुंदर कपड़ा बुनेंगे लेडी सीलिंग टॉर्च हर सर्वेंस हाउ टू स्पिन द स्ट्रांस इन टू थ्रेड एंड देन टू वीव द थ्रेड इंटू द क्लॉथ विचवी नाउ कॉल सिल्क महिला सीलिंग ने अपने नौकरों को सिखाया कि रेशे को कैसे कताई करके धागा बनाया जाता है और फिर धागे को कपड़ा में कैसे बुना जाता है जिसे अब हम रेशम कहते हैं एवर सिंस लेडी सीलिंग हैज बिन कॉल्ड द फर्स्ट मेकर ऑफ सिल्क द नेम ऑफ द लिटिल प्रिंसेस हाउ एवर हैज नॉट कम डाउन टू अस तब से महिला सीलिंग को रेशम का पहला निर्माता कहा जाता है हालांकि छोटी राजकुमारी का नाम हमारे सामने नहीं आया है कंक्लूजन द स्टोरी ऑफ सिल्क टीचेस अस दैट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज कैन कम फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस निष्कर्ष रेशम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अविश्वसनीय खोज सबसे अप्रत्याशित स्थानों से भी आ सकती है क्यूरियस प्रिंसेस ऑब्जर्वड टाइनी वर्म्स एंड इन हर सिंपल एक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी शी अनकवर्ड द सीक्रेट ऑफ सिल्क एक जिज्ञासु राजकुमारी ने छोटे छोटे कीड़े देखे और जिज्ञासा के अपने सरल कार्य में उसने रेशम के रहस्य को उजागर किया दिस रिमार्केबल जर्नी रिमाइंड वर्ल्ड इज फुल ऑफ वंडर्स वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड सो स्टे क्यूरियस एंड हु नोस वट अमेजिंग डिस्कवरीज यू माइट मेक यह उल्लेखनीय यात्रा हमें याद दिलाती है कि दुनिया ऐसे आश्चर्यजनक चीजों से भरी है जिनकी खोज की जानी बाकी है तो जिज्ञासु बने रहे और कौन जानता है कि आप क्या अद्भुत खोज कर सकते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एडवेंचर इन टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सिल्क रेशम की आकर्षक दुनिया की इस साहसिक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद स्टे ट्यून फॉर मोर एक्साइटिंग स्टोरीज लाइक दिस इन द फ्यूचर भविष्य में इस तरह की और भी रोमांचक कहानियों के लिए बने रहें धन्यवाद